मयूर भाई कहाँ पे हो आप? अरे उधर तो अंधेरा अंधेरा लगा रखा है। अरे इतने बड़े एलईडी का मास्टरमाइंड, लाइटिंग का मास्टरमाइंड और अंधेरा क्यों रखा है? ये क्या है? ये टीवी का रिमोट क्यों रखा है उधर? अरे रिमोट से तो लाइट शुरू होता है ना। अरे फैन भी शुरू हो गया, बहुत ही बढ़िया। ये लाइटिंग भी होती है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी सभी एक साथ छः छः लाइट शुरू हो गई, कमाल की बात है। ये तो मेरे को भी लगवाना है। अरे मयूर भाई गए कहाँ पर? ये रिमोट से बंद भी होता है। अरे फैन भी बंद हो गया, सब लाइट बंद हो जाएगी। अरे लाइट बंद भी होती है, शुरू भी होती है, क्या बात है, कमाल की चीज है। लाइटिंग में मास्टरमाइंड है मयूर भाई। लेकिन मुझे भी बनवाना है, इसलिए उसको ढूंढना पड़ेगा। कहाँ पे है मयूर भाई? कहाँ पे हो आप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्मार्ट इंडिया में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हो तो आपको पता चल ही गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आज का वीडियो स्पेशली होम ऑटोमेशन के ऊपर है। होम ऑटोमेशन यानी कि उससे बहुत सारे प्रकार होते हैं, वाईफाई से कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कर सकते हैं, लेकिन आज हम करेंगे घर के कोई भी रिमोट से, यानी कि घर में टीवी होती है, सेटअप बॉक्स होता है वगैरह वगैरह, जो भी आपके पास, जो भी आपके घर में रिमोट कंट्रोल है, वो रिमोट आप यूज़ कर पाओगे अपने घर के अप्लायंस को ऑन ऑफ करने के लिए। तो है ना एकदम कमाल। तो इसके लिए मैंने कंट्रोलर ये यूज़ करा है और ये 12 वोल्ट के एडेप्टर से, मतलब ट्रांसफार्मर से चलता है। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये सब उनके साथ ही आएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इसलिए इस्तेमाल करा है कि ये उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जल्दी हीट भी नहीं होता। रिमोट मैंने कुछ ऐसे ही रैंडमली अपने घर में पड़े यूज़ करने के लिए, आपको दिखाने के लिए बस ये ले लिए है। तो गाइस यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है ना, उसकी प्राइस के बारे में बता दूँ कि अगर आपको ये परचेस करना है तो यहाँ पे इसकी प्राइस है 1150 रुपये। और इसको परचेस करने के लिए आपको हमेशा की तरह वेबसाइट thesmartindia.in पे जाना होगा, वहाँ पे कमेंट करो, मैं आपको सामने से कॉन्टेक्ट करूँगा और ये ट्रांसफार्मर उसके साथ में आएगा। अभी बात यह है कि उसको पेयरिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये रिमोट कंट्रोल पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये IR है दोस्तों, ये IR उसका सेंसर है, ठीक है। तो अभी ये पावर दिया ही हुआ, देखो मैं दूर से दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे ये जो सॉकेट है ना, हमारे जैसे पिक्सल LED में आता है मेल फीमेल सॉकेट, वही है। तो ये जो सॉकेट है उसको अटैच करना होगा इस ट्रांसफार्मर के साथ। तो सबसे पहले ये हम सॉकेट को कनेक्ट कर लेते हैं, ये हमने कर दिया। अभी जैसे आप सॉकेट को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे पावर आ जाएगा, रेड लाइट चालू हो जाएगा। अभी ब्लू यहाँ पे रिले जितनी है ना, उतने आप यहाँ पे घर के अप्लायंस ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब कंट्रोल कर सकते हो, 6 है। और यहाँ पे IR सेंसर ये रहा, इसको हम इधर रख देते हैं। मान लो कि ये जो रिमोट है उसको हमें पेयरिंग करना है, तो कोई भी रिमोट हो गाइस, उसमें ये वाले बटन होने चाहिए मेनू, और ये बीच में ओके वाला, और यहाँ पे ये नंबर्स होने चाहिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि टीवी का रिमोट भी टीवी का रिमोट सेट हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास सोनी का, देखो सोनी ब्राविया का है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये बीच में ओके बटन दबा के रखूँगा, कितने 5 सेकंड तक। तो अब ये आवाज़ आ रही है ना गाइस, तो वो पेयरिंग के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हम दबाएंगे पावर, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। जब तक ये लंबा बीप करके बंद नहीं होता तब तक आपको ये नंबर देते रहना है, ये पेयरिंग करने का तरीका है गाइस। अभी बंद चालू करने के लिए सिंपल है, देखो आवाज़ आ रही है ना। तो दोस्तों कोई भी रिमोट को आपको पेयरिंग करना है तो यही चीज़ करनी है। अभी मान लो कि मैं दूसरा कोई रिमोट पेयरिंग करके दिखा रहा हूँ, तो ये देखो LG कंपनी का रिमोट है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो ओके बटन होना ज़रूरी है, तो ओके बटन दबाऊँगा। तो गाइस
बीप आई, अभी मैं पावर का बटन दबाऊंगा, फिर मैं नंबर डाल दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है। अभी हम ऑन ऑफ करेंगे। मान लो कि मैं एक नंबर, तो एक नंबर रिले की आवाज़ आई होगी गाइस, 2 3 4 5 6 7, बस 6 ही है ना रिले, तो 6 कंट्रोल होंगे। और ये एक साथ क्विकली है, सब कुछ बंद करना हो या सब कुछ चालू करना हो तो ये पावर बटन है, ठीक है ना। तो गाइस इसको हम चेक करते हैं, और सभी रिले के ऊपर कुछ ना कुछ लाइट है, फैन है, सब कुछ कनेक्ट करके मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। तो गाइस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर बाहर मतलब यहाँ पे जो भी स्विच है ना उसके ऊपर मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं आपको कनेक्ट करने का एकदम सीधा तरीका बताऊंगा। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, यहाँ पे सॉकेट दिए हुए, देखो ये सॉकेट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो ऑलरेडी अंदर कंट्रोलर के अंदर एक वायर अटैच होगा, देखो ये है ना, तो ये न्यूट्रल है, तो उसके ऊपर न्यूट्रल वायर दे देना है। और जो भी ये स्विच है ना, मान लो कि ये फैन की स्विच है, ये स्विच है लाइट की, तो उसका जो स्विच का वायर है वो वहाँ से आपको कनेक्शन करके जो हमारा एक अर्थिंग है ना उसके बाजू में जो वायर खाली है उसके ऊपर लगा देना है। देखो आप पॉज करके भी देख सकते हो वीडियो को, और इस तरीके से भी समझ में आ जाएगा, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस ये जो ग्रीन वायर है वो न्यूट्रल है, देखो तो इधर गया, फिर इस तरीके से, वो तो मैं आपको करके ही दूंगा, जो रेड वायर अंदर ऑलरेडी लगा के भेजूंगा। और यहाँ पे ये ग्रीन वायर है, ये ट्यूबलाइट का है शायद, और ये जो है ना ब्लैक वायर वो फैन का है, देखो, तो वो तो मैं डायग्राम दे ही दूंगा साथ में। और यहाँ पे ये 6 है, तो ये 6 सॉकेट है, देखो 6 रिले के 6 सॉकेट है, तो कोई खास उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बंदा समझ सकता है। मतलब कि ये एक सॉकेट यानी कि एक स्विच, मान लो आप स्विच का वायरिंग करते हैं ना उसी तरीके से, यहाँ पे दो जो वायर होते हैं ना, मान लो कि ये वायर है, उसका ये उसको बीच में से काट के दोनों वायर इस सॉकेट में लगा देने, किस सॉकेट में, इधर, तो आपका काम बन जाएगा। इसी तरीके से स्विच काम करती है। तो ये हम अभी चेक करके देखते हैं, ये गाइस गिर रहा बार बार, ये रहा रिमोट, अभी हम एक नंबर दबा के देखते हैं। तो गाइस ये लाइट चालू हो गया, अभी दो नंबर में यहाँ पे फैन मैंने लगाया है, तो मैं थोड़ा दूर जाऊँगा, फैन दिखे आपको, और ये फैन चालू हो गया। अभी तीन नंबर दबाएंगे तो यहाँ पे लाइट चालू होगा, ऊपर जो है ना लाइट, वो ये चालू हो गई लाइट, देखो। अभी चार नंबर पे शायद एलईडी होगी, तो एलईडी हो गई चालू। अभी पाँच नंबर पर मैंने ऊपर अभी गिर रहा था ना वो बल्ब लगाया, तो ये भी चालू हो गया। तो ये टोटल 6 को ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि 6 अंदर लगाई हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 लगाए, तो आप कमेंट मत कर देना भाई 5 ही हो सकते हैं क्या, हमारे पास जो भी था हमने लगा के दिखा दिया है, तो ये चीज़ है। अभी बंद भी कर देते हैं, 5 नंबर रह गया। हाँ गाइस उसकी एक खास बात है, और वो बात भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कि यहाँ पे मान लो कि हम चालू करते हैं ये 4 नंबर चालू करते हैं और करते हैं नंबर 5, तो ये देखो बीच वाला बंद है और ये दोनों लाइट चालू है। अभी मान लो कि बिजली चली गई, ये आपने चालू करा और लाइट गई, तो ये निकाल लेते हम, तो लाइट जाएगी, ठीक है, ये लाइट गई, और 5-10 मिनट के बाद लाइट आई, तो हम ये डाल देते वायर। तो जो भी चीज़ आपकी चालू थी, मतलब जो फैन या फिर जो भी लाइट आपने चालू करी थी, वो दोनों ही चालू रहेगी, देखो लाइट जाने के बाद। तो ये मेमोरी को सेव भी रखता है, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैंने स्विच ऑन रखी या फिर ऑफ रखी, तो क्या होगा कि रीसेट हो जाता तो बार बार आपको फिर चालू बंद करना रहता। तो ये भी बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है गाइस, और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, आपको लेना है तो thesmartindia.in पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गाइस। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत मजा आएगा और अच्छा लगा, अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बेल का आइकन जरूर दबाए दो। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय बाय, टाटा।